अचानक आधी रात को आसमान में बंद हो गए लैंडर के दो इंजन। इसरो में मची थी हलचल तो देश भर में शुरू हो गया पूजा पाठ। चंद्रयान 3 के लिए किसी ने नंगे पांव शुरू कर दी परिक्रमा तो कहीं अखंड ज्योत जलाकर हवन और कीर्तन होने लगा। इधर रात में ही दिल्ली में उतर गया कारों का काफिला। उधर साउथ अफ्रीका से ही मोदी एक एक पल के लिए रहे थे अपडेट। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए इतने उत्साहित थे कि पूरी रात मोदी सो नहीं पाए। उधर इसरो से चंद्रयान की पूरी टीम अचानक भागी भागी पहुंची तिरुपति बालाजी मंदिर। भगवान से मांगी दुआ, कयामत की तरह गुजरी रात, तो दुनिया में होता रहा लाइव टेलीकास्ट। अगर आप भी शुभकामना देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम और भेजिए शुभकामनाएं। ना पत्थर तोड़ पाएंगे ना आंधियों का तेज झोंका कुछ बिगाड़ पाएगा। अब की बार ऐसा लैंडर भेजा है चांद पर, क्रैश होकर भी करेगा काम। चांद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गया है चंद्रयान। शुरू हो चुका है लैंडिंग का काउंटडाउन। विक्रम लैंडर इस समय चांद के चारों तरफ 24 किलोमीटर बाई 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। लैंडर के मुख्य कैमरा यानी लैंडर इमेजर ने शानदार वीडियो बनाया है। इसके पहले इस कैमरे ने 17 अगस्त 2023 की दोपहर जब विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ तब उसने चांद की फोटो ली थी और वीडियो बनाया था। इन तस्वीरों में विक्रम लैंडर ने जिस जगह को कैप्चर किया उनमें से 2-3 क्रेटर यानी गड्ढों का नाम भी दिया गया है। दुनिया का सुपर पावर मुल्क है रूस, लेकिन उसका लूना 25 क्रैश कर चुका है। इसलिए अब बारी भारत की है और कामयाबी का झंडा भारत गाड़ कर दिखाएगा। इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है कि जो काम रूस नहीं कर पाया वो भारत कैसे कर रहा है। अब की बार भारत ने कामयाबी हासिल करने के लिए पूरी तैयारी कर दी है। विक्रम लैंडर की खासियत ऐसी है कि वो पिछली बार की तरह क्रैश हो ही नहीं सकता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम लैंडर को इस तरह से अब की बार डिजाइन किया गया कि अगर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई तो भी ये रफ लैंडिंग को संभालेगा। तो अब आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि फिर इसरो सॉफ्ट लैंडिंग क्यों करवाना चाहता है। तो इसके पीछे वजह है कि इस मिशन को अगर पूरी तरह कामयाब बनाना है तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी है। सॉफ्ट लैंडिंग होने से विक्रम लैंडर के हर पुर्जे सही तरीके से फंक्शन करेंगे। विक्रम लैंडर में अब की बार 5 की जगह 4 ही इंजन लगाए गए और विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर लैंड करेगा तब इसके चारों इंजन फंक्शन में नहीं होंगे बल्कि सिर्फ 2 इंजन ही काम में लिए जाएंगे। 2 इंजन को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा गया है। फिलहाल 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लैंडर चंद्रमा के चक्कर काट रहा है और बुधवार शाम 6:04 पर लैंडर को पूरी तरह से चंद्रमा की सतह पर उतार दिया जाएगा। अब की बार विक्रम लैंडर इतना ताकतवर है कि आंधी तूफान या क्रैश लैंडिंग भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विक्रम लैंडर में ऐसे कई उपकरण लगे हुए हैं जो चांद पर प्लाज्मा, सतह पर भूकंप और इसकी गर्मी और चांद के डायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। विक्रम लैंडर का नाम भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम एस साराभाई के सम्मान में रखा गया है। 4 पैरों वाला विक्रम लैंडर का कुल वजन 1750 किलोग्राम है। लैंडर विक्रम के अंदर ही प्रज्ञान रोवर को रखा गया है जो लैंडर के चंद्रमा की सतह पर लैंड होने के करीब 15 से 30 मिनट बाद उसके अंदर से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देगा। रोवर प्रज्ञान का वजन कुल मिलाकर 26 किलोग्राम है। 6 पहियों वाला रोवर चंद्रयान 3 मिशन का हेड यानी कम्युनिकेशन इन चीफ है। इससे भी बड़ी बात, विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। दरअसल दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर अपना मिशन भेजा सबकी कोशिश यही रही कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरा जाए, लेकिन इस बार इसरो कुछ अलग करने की कोशिश भी करेगा। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उचित मात्रा में पानी मिलने की संभावना मौजूद है। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे जिसे क्रेटर कहा जाता है, ये गड्ढे काफी गहरे हैं और स्थायी रूप से इनमें बहुत बड़ी छाया बनाई है। माना जा रहा है कि इसमें बर्फ जमी है और यहाँ पानी मिलने की संभावना मौजूद है। चंद्रमा पर पानी मिलने का मतलब है जीवन की नई संभावना। तो अगर आप भी चंद्रयान को शुभकामना देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत माता की जय।